पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आने के लिए क्या उपाय है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो। कौन सा धर्म? वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सब लोग अपना अपना कार्य करें, ब्राह्मण शिक्षा लेने की ड्यूटी ले ले, खुद शिक्षित हो, शास्त्र पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, क्षत्रिय बॉर्डर्स की सुरक्षा करे, अंदर के शत्रुओं से रक्षा करे, वैश्य पेट भरने का काम करे और शूद्र इन तीनों की सेवा करे। तो इस प्रकार से सब सुव्यवस्था चल सकती है। ये पशु समाज में तो होता नहीं है, कोई कुत्ता ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र होता है क्या? अपना भोजन खुद उगाता है क्या? नहीं, कुछ नहीं करता है अपनी प्रोग्रेस के लिए। तो ये डिवीजन ही, ये जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है, यही पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आने के लिए एक प्रोसेस है। फिर मनुष्य जीवन से दिव्य जीवन में जाने के लिए क्या विधि है? वो विधि है भागवत धर्म। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यहां चाड़ी आर नाही धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? हरि नाम में रुचि। कलयुग में तो एक ही उपाय है, कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिरन रुत नहीं पारा, हरि नाम ही वो केवलम। तो जब एक ही उपाय है तो धर्म तो वही होगा ना, सनातन धर्म। कलयुग में सनातन धर्म क्या है? सबसे पहले तो उसके नाम में रुचि, इंटरेस्ट हो, केवल नाम जपता हो, ऐसा नहीं कह रहे। जपने को तो सब लोग जपते हैं, लेकिन नाम में रुचि होगी तो कोई लिमिट थोड़ी रहेगी जपने की। इंटरेस्ट जिस चीज में होता है उसमें लिमिट नहीं होती। नाम में रुचि, और जो व्यक्ति नाम में रुचि नहीं रख रहा है उसकी रुचि को जगाने का प्रयत्न करे। जो व्यक्ति पशु जीवन में जी रहा है, केवल आहार निद्रा भय मैथुनी चार कामों में लगा हुआ है, उसको उठा करके वर्णाश्रम धर्म के द्वारा उसको पहले तो मनुष्य बनाए, फिर मनुष्य बनाने के बाद भागवत धर्म सिखा करके उसको दिव्य स्तर पर लेकर के जाए। ये हुआ जीव दया। नारद जी यही करते रहते हैं जीव दया। प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, यही किया उन्होंने, भागवत धर्म सिखाने का प्रयत्न किया। नाम में रुचि, खुद नाम में रुचि थी, तीन तीन घंटे पार्क में बैठ करके कीर्तन करते रहते थे और नाम पर पूर्ण विश्वास था। तभी तो न धन था न आयु थी, दो दो बार हार्ट अटैक हुआ, फिर भी जा रहे हैं विदेश में जाकर के प्रचार करने के लिए। नाम पर अटल विश्वास, ये हरि नाम रक्षा करेगा, अटल विश्वास। नाम है रुचि और जीवे दया और वैष्णव सेवन। जिन वैष्णवों से हमने कुछ भी सीखा उन वैष्णवों की सेवा करना, जो भी वैष्णव मिल जाए उसकी सेवा करना। ये लोग सब जगह प्रचार कार्य में लगे हैं, सेवा कर रहे हैं, जीव दया कर रहे हैं, तो लाओ हमसे जो बन पड़े हम उनकी सेवा कर लें, वैष्णव सेवा। कलयुग का लक्षण क्या है, क्या देखा परीक्षित ने, और वही हम लोग आज भी देख रहे हैं कि पशु जीवन में है मनुष्य, वो मानव चेतना तक उन्नति ना करे उसको वहीं रोक लो। अर्थात वर्णाश्रम धर्म ही तो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक मनुष्य पशु चेतना से मानव चेतना तक उन्नत होता है। तो वर्णाश्रम धर्म पर अटैक करो,
यही हो रहा है ना। जात पात में सब बांट दो, आपस में वैमनस्य से पैदा कर दो, वोट की लालच में, यही तो देख रहे हैं हम लोग। स्वार्थ भरा हुआ है, मरा हुआ है ना। एकाग्र मन से ईश्वर को अगर जाते क्या हो रहा है, जाति के अनुसार जनगणना कराओ, क्यों कराओ, क्या जरूरत है जाति के अनुसार जनगणना की, ये आज की पॉलिटिक्स में सब हो रहा है। बस ये कली का लक्षण है। एक पार्टी चाहेगी कि शूद्र हमारी तरफ आ जाए, दूसरी पार्टी चाहेगी वैश्य मेरी तरफ आ जाए, तीसरा चाहेगा ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाए, तो कैसे वो सॉलिड हमारी तरफ रहे, उनमें भेद पैदा करो कि हम देखो तुम्हारा फेवर करते हैं और सब तुम्हारे दुश्मन है, ऐसी भावना क्रिएट। जबकि है क्या ही वर्णाश्रम व्यवस्था कि चारों मिल करके समाज की उन्नति के लिए कार्य करें, एक जना शिक्षा देने का कार्य करे जो बुद्धि के समान है। मानव सभ्यता एक शरीर की तरह है, समाज उसमें बुद्धि भी चाहिए तो बाहु भी चाहिए तो पेट भी चाहिए तो पैर भी चाहिए। तो बुद्धि की तुलना ब्राह्मण से की गई, क्षत्रियों की तुलना भुजाओं से की गई, वैश्य की तुलना पेट से की गई और शूद्र की तुलना टांगों से की गई। चारों की इंपॉर्टेंस है, नहीं तो ये शरीर चलेगा कैसे। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस बताने के बजाय कि बुद्धि देखो टांगों की दुश्मन है, इनको मारो जूते चार, सब नारे चलते हैं, चलते ही नहीं चलते, सब जानते हैं ये है। तो पशु जीवन से मानव चेतना तक उन्नति ना करने पाए तो कली क्या कर रहा है, कुछ जो धर्म पर न चलने वाले लोग हैं उनकी बुद्धि में बैठ करके और उसने वर्णाश्रम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। और बिल्कुल एक भी न्यूज कोई देख ले तो समझ में आ जाएगा उसको कि वर्णाश्रम पर अटैक हो रहा है। बिल्कुल सत्य है यही, ये कली का लक्षण है। परीक्षित ने जब देखा उनसे रहा नहीं गया। शौनक ऋषि ने पूछा कि महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, केवल दंड क्यों दिया, उसका वध क्यों नहीं कर दिया, जब वो इतना जघन्य कृत्य कर रहा था, गाय और बैल की हत्या कर रहा था, वो तो मृत्यु दंड का अधिकारी था, केवल दंड का अधिकारी नहीं था। जबकि वह शूद्रों में अधम था, उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पात प्रहार कर रहा था। कृपया इन सब घटनाओं का यदि वे भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो वर्णन कीजिए। तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम, यदि इसका संबंध, इस घटना का संबंध यदि कृष्ण कथा से है तो आप वर्णन कीजिए, अदरवाइज छोड़िए इस टॉपिक को। अच्छा बताइए कर्म कौन करता है, कर्म आत्मा करता है, प्रकृति करती है, बुद्धि करती है, मन करता है, इंद्रियां करती हैं, कौन कर्म करता है, पृथ्वी कर्म करेगी, सूर्य भगवान सुबह सुबह निकलते हैं फिर अपने आप अस्त हो जाते हैं, उनका ये कर्म है। हाँ लेकिन हमको हमारे कर्मों का फल मिलता है ना, तो हम इस शरीर के बारे में पूछ रहे हैं, इसमें इंद्रियां हैं, इसमें मन है, इसमें बुद्धि है, आत्मा है, परमात्मा है, और ये जो शरीर है प्रकृति का दिया हुआ है। प्रकृति कर्म, प्रकृति में नेचर, हमारा अपना नेचर, हर व्यक्ति अपने नेचर के अकॉर्डिंग कर्म करता है। तो वो प्रकृति कार्य कर रही है कि मन कार्य कर रहा है, कि बुद्धि कार्य कर रही है, कि आत्मा कार्य कर रहा है, कि भगवान कार्य कर रहे हैं, सर्व कारण कारणम वो कार्य कर रहे हैं, कौन कार्य कर रहा है आखिर, बुद्धि मन कार्य कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा हमसे करवा रहे हैं, परमात्मा हमसे करवा रहे हैं अच्छे कार्य, तो अच्छे कार्य, और खराब वाले खराब वाले मन मन कर रहा है, मन भटकाता है, मन भटकाता है, परमात्मा जो है वो आदेश दिया उसके द्वारा
अच्छा गीता में एक जगह कहा गया है प्रकृति क्रियमाणानी गुणई कर्माणी सर्वश, प्रकृति के गुण सब कार्य कर रहे हैं। कोई रजोगुण के वशीभूत हो गया है तो रजोगुणी कार्य कर रहा है, कोई तमोगुण के वशीभूत है तो तमोगुणी कार्य कर रहा है। तो एक श्लोक में कहा कि प्रकृति क्रियमाणानी गुणई कर्माणी सर्वश, सारे कर्म प्रकृति के गुण कर रहे हैं। दूसरी बात गीता में ही कहा और उपनिषदों में भी कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का भी कारण है मोक्ष का भी कारण है। ये कैसे, इसका मतलब मन ही कुछ कर रहा है कि बंधन हो जाए, मन ही कुछ ऐसा कर देता है कि मोक्ष हो जाए। तीसरी बात दंड कौन भोग रहा है, जीव, जीव को भिन्न भिन्न शरीरों की प्राप्ति हो रही है, क्यों, कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्म के कारण तो जीव भी लगता है कर्म करता हुआ प्रतीत हो रहा है, तभी तो जीव को दंड मिल रहा है। जो जो गड़बड़ करेगा उसी को दंड मिलेगा ना, कुत्ते का शरीर सुअर का शरीर सब मिल रहा है जीवात्मा को, इन सब में से कर कौन रहा है। नहीं इंद्र तृप्ति कारणम बंध मोक्ष, बंधन के लिए कार्य हो चाहे मोक्ष के लिए हो, दोनों का कारण कौन बताया, मन एव, मन ही कार्य कर रहा है। अब प्रकृति क्रियमाणानी, प्रकृति कार्य कर रही है लेकिन प्रकृति का संग किसने किया, मन ने चिंतन किया, ठीक है। कारणम गुण संगो, गुण संग क्यों किया, अब प्रकृति हावी हो गई किस पर, मन पर, ठीक है ना। मन ने क्यों प्रकृति के गुणों का संग किया, तो हम मन जिम्मेदार हो गया। भगवान प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है, भगवान ने रूल्स बना दिए। भगवान ने कहा कि अगर सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओगे, हम तो सब सर्व पापे भी मोक्षिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और यदि तुम अहंकारात् न श्रोष्यसि, यदि अहंकार के वशीभूत होकर के युद्ध नहीं करोगे तो विनंश्यसि, नष्ट हो जाओगे। भगवान ने रूल बना दिए हैं, किस रूल पे आप चल रहे हो उसके अनुसार प्रकृति आपको दंड देगी। भोगो, हमने हमने कोई फोर्स तो नहीं किया कि तुम तमोगुण में रह के कार्य करो, मैंने तो बताया था नौ प्रकार के इच्छाएं कर सकते हो, मन है नौ प्रकार की इच्छाएं कर सकता है, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी, और ज्ञानियों की भगवान में लीन होने की इच्छा, और चार प्रकार की भक्तों की इच्छा, सामीप्य सारूप्य सालोक्य सारष्टि, और भगवान के सुख के लिए भगवान से प्रेम करने की इच्छा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई फोर्स नहीं है। जो शराब पीने जा रहे हैं शराब के अड्डे पे, उनको भी कोई फोर्स नहीं कर रहा है, यथे चसी तथा गुरु, हम फोर्स नहीं, हम तुमको रिजल्ट बता देंगे कि तमोगुण का रिजल्ट क्या है, कुत्ता बिल्ली सुअर बनोगे। तुम खाने पीने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो तो आई विल मेक यू ए पिग, जाओ सुअर बना दिया, अब सुअर बन करके अब हलुआ हो चाहे मल हो उसके लिए सब बराबर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेद नहीं, कुछ भी खाओ इवन अप टू स्टूल। तुमको बहुत इच्छा थी ना मनमानी का, तो गुणों का संग किया, प्रकृति हावी हुई, किया काम मन ने, गुण का संग करने का काम किया, बस यहां से वो कंट्रोल में आ गया, क्योंकि ऑप्शन नौ थे, क्यों गलत चूज किया, इसलिए मन जिम्मेदार। कारणम क्या है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन तो एक ही है। गोपियों ने क्या कहा, जब उद्धव ने कहा ब्रह्म में मन लगाओ, तो बोले उद्धव मन न भय दस बीस, एक रहो सो गयो श्याम संग, कौन आराधे तुम जो बता रहे हो निराकार ब्रह्म, कौन आराधे, इस आराधना किसको करनी थी, मन को, भजो रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण अरविंद रे, भजन तो मन को करना था, मन तो गया कृष्ण के साथ, अब कौन है भजन करने वाला, कोई है ही नहीं,
ये शरीर है बस यहाँ रखा हुआ है, उससे तुम कह रहे हो भजन। शरीर के भजन को कौन मानता है? प्रभुपाद कह रहे हैं ठगनी माया या प्रकृति जीव पर कितना प्रभाव दिखाती है। माया बड़ी पावरफुल है, ठीक है पावरफुल है, प्रभुपाद पर तो आज तक असर नहीं दिखा पाई, वैष्णवों पर असर नहीं दिखा रही है, हम पर क्यों असर दिखा रही है? माया जीव पर उतना ही प्रभाव दिखाती है जितना जीव माया से अट्रैक्ट होता है। जितना हमारा माया से अट्रैक्शन होगा सांसारिक वस्तुओं से व्यक्तियों से, जितना मेरा आकर्षण बढ़ेगा उतना माया हम पर प्रभाव दिखाएगी। वो आकर्षण ना हो तो माया कोई प्रभाव नहीं। अब वो आकर्षण कैसे छूटे? क्या सुख मिलता है संसार में? संसार की वस्तुएं क्या दे देती है? मन है, मन का काम है अटैचमेंट करना। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो संसार से कर ले प्रेम या अटैचमेंट, या तो ईश्वर से कर ले। तीन ही तत्व हैं संसार में, क्या? ईश्वर, जीव, माया। तो जीव तो हम हैं, बाकी बचे दो, माया और भगवान। किससे अटैचमेंट करना है? माया का मतलब सतो रजो तमो, ठीक है। दुर्योधन कैसा था? तमोगुणी, फिर भी धृतराष्ट्र का अटैचमेंट है, तमोगुण में आसक्त। क्या हुआ उस आसक्ति का नतीजा? पूरा परिवार नष्ट हो गया ना। तमोगुण से अटैचमेंट रखो। रजोगुण से आकर्षण करेंगे तब भी नष्ट भ्रष्ट सब होना है। संबंधों में अटैचमेंट हो जाए। उदाहरण से सिखाते हैं भक्त लोग, अपनी आचरी जीवरे सिखाए। अपने आचरण से अच्छी चीज भी सिखाते हैं, अपने आचरण से खराब चीज भी सिखाते हैं। दोनों ही पक्ष वो दोनों वैष्णव से सीखने वाले। भीष्म पितामह कहां से लड़ रहे हैं? कौरवों के पक्ष से। और हैं क्या महाजन? 12 महाजनों में से एक है प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वया सकिर वयम। भगवान के भक्त हैं, तभी तो कृष्ण अंत समय में उनके पास आते हैं, उनकी स्तुतियों को स्वीकार करते हैं। युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर को खुद धर्म का ज्ञान देते हैं लेकिन युधिष्ठिर राजा बनने को तैयार ही नहीं हो रहे, तो भीष्म उनको समझाते हैं, राजधर्म सिखाते हैं। भाई हमसे अच्छा मेरा भक्त सिखा सकता है। ये तो भीष्म की अवस्था है। क्या कर लिया भीष्म ने? प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्या कथा है इसके पीछे? दूसरा विवाह करना चाहते थे, दुखी रहते थे। उन्होंने जो लड़की के पिता थे, सत्यवती के पिता, उन्होंने कहा था कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। अब पिता में अटैचमेंट था, इसलिए प्रतिज्ञा हुई ना कि पिता को दुखी नहीं देख सकते। तो सांसारिक संबंध, पिता, पिता में आसक्ति, परिणाम महाभारत का युद्ध। ठीक है, वो कृष्ण की प्लानिंग है, उसका एक पार्ट है। इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां एक शिक्षा तो वो देके जा रहे हैं ना कि सांसारिक संबंधों में आसक्त होकर के अगर आपने कोई प्रतिज्ञा कर ली, अगर ये प्रतिज्ञा नहीं हुई होती तो कौन राजा बनता? भीष्म। और महाजन के पुत्र कैसे होते? फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली थी?
लेकिन पिता में आ सकती है। परिणाम सबके सामने है, ठीक है। तो सांसारिक संबंधों में आ सकती है, ये भी दुखदायक है। किसी भी तरह की सत्व गुण जो गुणता आ सकती, ज्ञान ज्ञान की उपाधियां खूब पढ़ना है, खूब ये करना है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, भगवान की महिमा समझ पाओगे। मैं नहीं समझ पाया, ब्रह्म विमोहन लीला, मैं मोहित हो गया कृष्ण को खाते हुए देख करके। ये देखो ये यज्ञ का भोक्ता भगवान हो करके, और ये झूठा खा रहा है ग्वाल वालों का। यज्ञ में पवित्र किया हुआ भोजन ग्रहण करने वाला और इस तरह से झूठा खा रहा है, वो भी ग्वाल सखाओं का, गैया चराने वालों का। ये भगवान हो सकता है क्या? मोह में पड़ गए, लीला देख करके मोह में पड़ गए। गर्भ में थे तो स्तुति करने आए थे, जब देख नहीं पा रहे थे तो स्तुति चल रही थी, और देख लिया तो मोह में पड़ गए। मैं मोह में पड़ गया, तुम्हारी क्या स्थिति है, क्या पढ़ोगे तुम? ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्तरे विनम्र बनो, सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भक्तों के पास जा करके भगवान की कथा सुनो, वो सब निचोड़ निकाल करके तुमको पिला देंगे। हमको क्या मतलब, आम खाओ पेड़ मत गिनो, आम से हमको मतलब गुठली से क्या लेना है। सारा श्रम करने की क्या आवश्यकता, जब जूस मिल रहा है। निगम कल्प तरूर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पीवत भागवतम, पियो जूस है। तुमको कोई जूस निकालने की मेहनत भी नहीं करनी, पीने में कौन सी मेहनत है, चलो चबाने में मेहनत थी। वेद पढ़ेंगे तो बहुत चरवण करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि सत्वगुणी लोगों के लिए कौन सी बातें हैं, रजोगुणी के लिए कौन सी हैं, तमोगुणी के लिए कौन सी हैं। लेकिन भागवत में तो तुमको सिलेक्ट नहीं करना है, पूरा का पूरा क्या है, गलितम फलम, जूस है। किसका? इन्हीं वेदों का। निगम कल्प तरो और गलितम फलम, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हो रहा है, और एक और महा महाप्रसाद हो रहा है वैष्णव के मुख से उच्छिष्ट। पियो रसिक जनो, जो भगवान के भक्त हैं, चरण कमलों के रसिक हैं, प्रेमी हैं, उनको कहा जा रहा है कि ले भागवत पियो, पान करो इसका आनंद। तुमको क्या जरूरत श्रम करने की, तो भक्तों को तो सबसे प्रिय भागवत। उसी भागवत का प्रथम स्कंध का ये 17वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो माया कितना प्रभाव हम पर दिखाएगी, अग्नि माया या प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के प्रति आकर्षित होता है। मन है, देखो मन संसार से हटाना है, भगवान में लगाना है। भाई क्या हमारे पास, मन के पास दो ऑप्शन है, एक्चुअल में तो दो ऑप्शन भी कहा है, संसार में तो लगा है, भगवान में लगाना है। अब उसके लिए बताओ साधना की, भले वो इस सोलह माला जब, प्रभु जी मन नहीं लगता। मन नहीं लगता क्या होता है, मन लगता है। कोई अगर कहे कि मेरा मन लगता है, इसका मतलब कि वो नेचुरल लव हो गया उसको, उसको सहज प्रेम है तो उसका मन लगता है। मन लगना तो सहज प्रेम की अवस्था है, और इनिशियली कहां वो प्रेम, पहले तो संसार से हटाओ, फिर भगवान में लगाने का प्रयत्न करो, अभ्यास, संसार से हटाने का अभ्यास, भगवान में लगाने का अभ्यास। अभ्यास से सब चीज हमने सीखी, करवट बदलना अभ्यास से सीखा, बैठना अभ्यास से सीखा, खड़े होना अभ्यास से सीखा, खटिया पकड़ पकड़ के किसी तरह से खड़े होते थे, धप से गिर पड़ते थे, याद नहीं है भूल गए, लेकिन किया था बहुत अभ्यास, बहुत चोटें भी खाई, साइकिल सीखी तो घुटने छिलवाए, अभ्यास किया, अभ्यास से हर चीज सीखी।
ठीक है, तो संसार से हटाने का भी तो अभ्यास करना पड़ेगा ना, और भगवान में लगाने का भी अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान से अर्जुन ने कहा किसको अभ्यास करना, मन को। अर्जुन ने कह दिया चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिवसु दुष्करम। ये तो मन बहुत चंचल है, प्रमाथी, ये तो मथानी की तरह कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एकदम चला जाता है, जस्ट अपोजिट चला जाता है। अभी बैठा आराम से चैंटिंग कर रहा था, इतने में जो है रजोगुण में चला गया, फिर तमोगुण में चला गया। गीता में भगवान कह ही रहे हैं ये तीनों गुणों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, अभी रजोगुण हावी कभी तमोगुण हावी। दिन भर में 50 बार यही सब होता रहता, जब करने बैठे अरे नींद आ रही, आलस निद्रा प्रमाद, ये जब छोड़ करके सो गए तो क्या है निद्रा, क्या है तमोगुण। कहां तो तुम दिव्य गुण में जा रहे थे और कहां तमोगुण में चले गए। ये देखिए उठा पटक बिल्कुल चल रही है गुणों के बीच में। तो संसार में तो लगा हुआ है और भगवान में लगाना है, लगता नहीं। ये लगता वाली स्टेज आती है एकदम लास्ट में जब प्रेम हो जाता है। तो अभी अभी लगाओ, अभ्यास करो, अभ्यास करते करते लगने लगेगा। तो जब लगने लगेगा ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ये बीच की अवस्था है। पहले तो लग नहीं रहा है, फिर लगने लगा, फिर लग गया, तीन अवस्थाएं। तो जब नहीं लग रहा है और हम अभ्यास भी नहीं करेंगे तो लगने लगेगा वाली दूसरी स्टेज भी आएगी क्या? दूसरी स्टेज भी नहीं आएगी। तीसरी स्टेज लगता मन नहीं लगता, वो तीसरी स्टेज है, वो प्रारंभ में ही लोग कह देते हैं जिस सब की कथा सुनने को तो मन लग जाता है, जब करने मन नहीं लगता, जब में ना नहीं याद आती। और जबकि एक ही सहारा है क्या, हरे नाम है वो केवलम, कलयुग केवल नाम आधारा, उसी में मन नहीं लगता। नहीं लगता तो मालूम ही है गुरु को क्या नहीं लगता किसी का मन, इसीलिए तो कह रहा है साधना करो। साधना माने प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे लगने लगेगा। एक बच्चा स्कूल में जाता है, प्रभुपाद जी भी स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था, छुप जाते थे पलंग के नीचे, कभी सोफे के नीचे, कभी कहाँ कभी कहाँ, पकड़ पकड़ के घसीट घसीट। एक नौकर रखा गया घर के अंदर कि इसको स्कूल ले जाना है, हर समय वो पीछे लगा रहता था इनको स्कूल ले जाने के। हम ही लोग करते थे, स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था, माँ की गोद छोड़ करके कहूंगा माँ को आज क्या सूझ गया है कि हमको रोज तो अपनी गोद में बैठा करके खिलाती थी, आज हमको अपने से दूर कर रही है। कौन माँ की गोद से दूर जाना चाहता है, नहीं स्कूल चले गए, माँ चली गई वापस स्कूल में छोड़ करके, गेट बंद हो गया, वो बेचारा कैद खाने में बैठा हुआ है, चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे करके तो हम लोग स्कूल गए, रोग आके तब भी गए ना, तब कुछ पढ़ लिख करके आज भागवत पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो ये कहां से पढ़ते। उन्होंने मारपीट करके किसी तरह से भेजा, ऐसे ही अपने मन को मारपीट करके किसी तरह से जप में लगा दो, बाद में क्या होगा, बाद में लगने लगेगा, फिर लग जाएगा, फिर छुड़ा के दिखा दो, फिर छुड़ा नहीं पाएगा कोई। प्रहलाद को छुड़ाने की कोशिश की हिरण्यकशिपु ने, आग में जला देंगे तो हाथी से कुचलवा देंगे, तो सांपों की कोठरी बंद कर देंगे, तो जहर पिला देंगे, पहाड़ से छुड़ा पाए, कोई नहीं छुड़ा सकता। अब ये स्थिति हो जाती, इसलिए अभ्यास प्रैक्टिस, अभ्यास से पीछे ना हटो। तो ठगनी माया ठगने की कोशिश करेगी, उधर आकर्षण मत रखो, बार बार इधर संसार से हटाओ इधर लगाओ, संसार से हटाओ इधर लगाओ। संसार से क्यों हटाओ, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। हमारी बुद्धि कन्विंस है किस संसार में सुख है, हमको नहीं मिला, मेरी पत्नी खराब, मेरे पिताजी खराब, मेरी अम्मा खराब, मेरा भाई खराब, मेरा ये खराब, मेरे सब रिश्तेदार खराब, हमको नहीं मिला। वो देखो परिवार कितना सुखी, वो देखो कितना सुखी, ये बीमारी लगी हुई है।
कि बुद्धि का अभी कन्विक्शन नहीं है कि यहां सुख नहीं है। अर्जुन ने तो पहले ही अध्याय में कह दिया कि त्रिलोक का निष्कंटक राज्य में मिल जाए तो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इतने कंक्लूजन पे तो पहले आदमी को आना चाहिए ना कि यहां सुख नहीं है, ठीक है, इसलिए यहां मन ना लगाओ। भाई मन यहां क्यों ना लगाएं? संसार में हमको सुख मिल रहा है, लेकिन सुख किसको मिल रहा है? तुमको नहीं मिल रहा, तुम आत्मा हो। आत्मा के सुख का सामान संसार में कहां है? आत्मा के सुख का तो केवल एक ही सामान है, क्या? परमात्मा। बस उसी में सुख मिलेगा इसको, उसको संसार के किसी सामान से सुख नहीं मिलेगा। अंश भी होने का है, जब तक अंशी से मिलेगा नहीं तब तक सुखी होगा नहीं। उसकी वो स्वाभाविक स्थिति है कि वो भगवान का दास बन गया, उसका स्वरूप है। ये कोई थोपा नहीं गया उसके ऊपर कि नहीं तुम दास हो, उसका स्वरूप नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसकी। तो हटाना चाहिए ये, अपनी बुद्धि को समझा लो कि ये हमारे सुख की चीज नहीं है संसार, इसलिए हटाओ, और वो हमारे सुख का है इसलिए लगाओ। बस इतनी सी बात अगर हम अपने मन को समझा ले गए तो हम संसार से कभी अटैचमेंट नहीं करेंगे, भले सतोगुणी हो, ज्ञान की उपाधि से भी नहीं बनेंगे कोई, हम हमारे सारे व्यर्थ का श्रम सब खत्म हो जाएगा। और पालन करने वाले तो भगवान है, चींटी से हाथी तक का पालन कर रहे हैं। कौन ऑफिस जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कंप्यूटर चला रहा है, कौन सा हाथी मन भर खाता है, दे रहे हैं ना भगवान। और चींटी कण भर खाती है तो भी दे रहे हैं भगवान। आदमी इंटेलिजेंट हो गया तो सोच रहा है नहीं भगवान नहीं देगा, हमको खुद मेहनत करके कमाना है। और इस चक्कर में जो भगवान दे रहा है ये श्रीमद् भागवत अपनी लीलाएं कर करके कि आओ इसमें रसा स्वादन करो, वो नहीं ले पा। जो भगवान कह रहे हैं कि हम सबको देंगे, जगन्नाथ है तो ये तो जगन्नाथ कहना छोड़ दो कि वो जगन्नाथ है, जगदीश है, सारे जगत के ईश्वर हैं, है ना, पालक हैं, हम बालक हैं, वो पालक हैं, तो उनको पालक ना मानो जब तुम्ही को अपना पालन करना है। बल्कि हमको लग रहा है कि नहीं, हम भगवान की सेवा के लिए सामान ला रहे हैं, क्या हम उनको भोग लगाते हैं, हम उनके लिए फूल ला रहे हैं, उनके लिए भगवान को हम पाल, अरे भगवान क्या पालोगे, भगवान तुम्हें पालो। तो जब ये दृढ़ विश्वास मन का नहीं होता है तो व्यक्ति कर्म में फंस जाता है, और कर्म में फंस करके जो भगवान अपनी मधुर लीलाएं उसको सुनाना चाहते हैं, जो कृष्ण भगवान व्यास ने इसमें अंकित कर दी, उससे वंचित हो जाता है। कितना बड़ा लॉस कर लेता है। निद्रया ह्रियते नक्तम दिवा च व्यर्थ कर्म भी, कैसे टाइम बिताता है मूर्ख व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, अल्पायु। मूर्ख आलसी अल्पायु व्यक्ति अपना समय कैसे बिता देता है? निद्रया हरियते नक्तम, रात को सो सो करके, और दिवाचा व्यर्थ कर्म भी, व्यर्थ के कामों में खाली शरीर निर्वाह, इंद्रिय तृप्ति। तो अधर्म के मित्रों को देश से निकाल देना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। उपाय बताया प्रभु, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? उनको देश से निकाल दिया जाओ, शरणार्थी बन के जिस कंट्री में जाके रहना और रहो, दुख भोग हो जाए। यदि कली रूपी अधर्म को मनुष्य देवता या किसी कार्यकारी के रूप में कर्म करने दिया जाता है, यहां रखेंगे तो कुछ ना कुछ कर्म करेगा, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, तो लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह और दंभ जैसे अधर्म का निश्चय ही बोलबाला हो जाएगा। ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। क्या क्या बढ़ जाएगा? लोभ बढ़ जाएगा। अगर कली जैसे व्यक्ति को यहां काम करने के लिए खुला छोड़ दिया गया,
डकैतियां बढ़ जाएंगी, असत्य बढ़ जाएगा, अशिष्टता बढ़ जाएगी, विश्वासघात बढ़ जाएंगे, दुर्भाग्य बढ़ेगा, कपट बढ़ेगा, कलह बढ़ेगा। अतएव हे अधर्म के मित्र, न वर्तितव्यम तद अधर्म बंधो, हे अधर्म के बंधु, न वर्तितव्यम, तुम मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं हो, न वर्तितव्यम। धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरं यज्ञ विदान विज्ञाः। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। कहां रहने योग्य नहीं हो कली? जहां यज्ञ होता है। अब कलयुग में कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। जहां हरि नाम संकीर्तन और भागवत कथा होती है, हे कली, तुम वहां रहने योग्य नहीं। तो कली का वहां कोई बोलबाला नहीं होता जहां भागवत और जहां हरि नाम संकीर्तन होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परीक्षित महाराज ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए। कलयुग का प्रारंभ है, कली पूछ रहा है, कली को कह दिया कि तुम रह नहीं सकते तुम हमारे राज्य में, और जगह जगह यहाँ तो सब यज्ञ हो ही रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग बैठे हैं यज्ञ कर रहे हैं, संकीर्तन ये वो सब चल रहा है। तो कहाँ नहीं रह सकते हो? ब्रह्मा वर्ते, जो ब्रह्म से आवृत है, जो भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां तुम नहीं रह सकते। तो कौन सा स्थान है जो भगवान के द्वारा संरक्षित है? जिस स्थान पर भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाता है, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, उनके नाम का कीर्तन करेंगे हम, वो स्थान ब्रह्मावर्त है, वो ब्रह्म के द्वारा आवृत हो गया, वहां कली का कोई प्रवेश नहीं। यूयो याम याम कनुगत्ता श्रद्धा कृतिक्षति तस्तस्तलाम श्रद्धा तामीबा विदिनामि अहम्। यो यो, जो जो व्यक्ति, जो जो व्यक्ति, याम याम तनुम, जिस जिस देवता की, नहीं नहीं प्रभु आप ये पढ़िएगा भी, यो यो याम याम तनुम भक्ता, जो जो जिस तनु मन देवताओं के, है ना, जो जो जिस जिस देवता का भक्त है, यो यो याम याम तनु भक्त, श्रद्धा अर्चो तुम इच्छति, श्रद्धा से उनका अर्चना करता है। आगे तस्य तस्य, उस उसकी श्रद्धा को अचल कौन करता है? अचलान तामेव विदधामि अहम्, मैं उसकी श्रद्धा को उस देवता में फिक्स करता हूं, यानी उस देवता में, चक्रवर्ती पाद की टीका है कि मैं उस देवता में इतनी भी क्षमता नहीं है कि अपने आप में अपने भक्त की श्रद्धा को स्थापित कर दूं, वो भी भगवान पर डिपेंड है कि श्रद्धा इसकी मुझ में टिकेगी कि नहीं टिकेगी। तो भगवान श्रद्धा स्थापित, कोई शिव का भक्त है तो उस शिव से हटता नहीं, क्यों? भगवान ने फिक्स कर दिया उसको शिव में। किसी को काली जी का भक्त बना दिया, किसी को दुर्गा जी का, किसी को किसी का, किसी को किसी का, तो अब हाँ, अब हम कहेंगे नहीं नहीं तुम कृष्ण की भक्ति करो, तो उसका तो मन उधर फिक्स है, भगवान ने फिक्स किया है, हम उसको हटा के इधर लाने की कोशिश करेंगे तो पता लगा वो इधर भी मन से नहीं आ पाया और उधर का भी उसका छूट गया। अगर उधर भी ठीक से करेगा तो वो देवता क्या है? वो तो कृष्ण के भक्त है। वो उसको एक दिन जब गंभीरता से उनकी भक्ति करने लगेगा, देखेगा शिव जी की माला लेकर के कर रहे हैं जब, है ना, आपने देखा होगा एक डंडा होता है ऐसे सीधा, फिर उसमें यू शेप में बना होता है, उस पे हाथ रख करके शिव जी माला लिए बैठे हैं, अनेक चित्र देखे हूँ, कैलाश पे बैठे हैं, हमेशा राम नाम जपते रहते हैं।
तो ये क्या जपते हैं, क्यों जपते हैं, इनसे श्रेष्ठ कौन है जिसका नाम ये जप रहे हैं, इस पॉइंट पे आएगा ना शिव का भक्त आखिर, अपने आप कन्विंस हो जाएगा। तो श्रद्धा किसने फिक्स की, ये भी क्षमता नहीं देवताओं में। अच्छा आगे अगला श्लोक, सतया श्रद्धया युक्त तस्यादा आराधनम इहते, तो वो श्रद्धा से युक्त होकर के उनकी आराधना करता है जो मैंने फिक्स की उस देवता में। अब लभते च तथा कामान, लभते च तथा कामान, जिस कामना से उस देवता की जप कर रहा था, पूजा कर रहा था, क्योंकि देवताओं की पूजा कामना से ही की जाती है, निष्काम भाव से नहीं। मैं ये विहितान हितान, तो वो जो कामनाएं पूर्ति हुई वो किसने दी, मैं विहितान हितान, कृष्ण कह रहे हैं कि वो भी मैं ही देता हूँ, यानी कामनाएं पूर्ति मैं कर रहा हूँ, श्रद्धा तुम्हारी मैं फिक्स कर रहा हूँ, तो फिर सीधे सीधे मेरे पास आ जाओ जब सब काम हम ही से कराना है। क्यों दाएं बाएं दो 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 टाइम खराब करो, देवता भी प्रसन्न होंगे, वो भी भगवान के भक्त है, वो देखेंगे हाँ मेरे इष्ट के पास जा, शिव जी से पूछा पार्वती ने कि किसकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है, तो शिव जी ने कहा आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ। अब शिव जी से ये सीखो, दुर्गा जी से सीखो, दुर्गा जी जब प्रकट हुई कृष्ण के सामने तो भगवान ने कहा कि तुम बलराम जी जो हैं रोहिणी के घर में हैं, देवकी के घर में, वहां से उनको ले गए, वो जेल में हैं देवकी, उनके गर्भ से निकाल करके, और गोकुल में हैं रोहिणी, उनके घर में ले जा करके स्थापित कर दो बलराम जी, और तुम ये करोगी तो कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम इन इन जगहों पर निवास करोगी, विंध्याचल आदि सब स्थान बता दिए, स्थान भी बता दिए, तुम पूजित होगी, चूंकि तुमने बलराम की सेवा की, तो वैष्णवी नाम ही है वैष्णवी, तो किसकी सेवक है, विष्णु की, साफ बात है, नाम से ही पता चलता है। और श्रद्धा किसने फिक्स की, भगवान ने, और वो किसके भक्त, भगवान के, और फल कौन दे रहा है, भगवान, डायरेक्ट भगवान के पास जाओ, लेकिन डायरेक्ट भगवान के पास जा नहीं सकते, इसलिए गुरु के थ्रू जाओ, बस ये सीधा सीधा रास्ता है। तो ब्रह्मावर्त क्या है, भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड क्षेत्र कौन सा होगा, जहां भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाएगा, अन्य किसी की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, बाकी सब दास, कोई हो ब्रह्मा हो विष्णु हो महेश हो, इवन विष्णु बलराम जी जो कि विष्णु तत्व हैं, वो भी क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा में, लक्ष्मण राम की सेवा में लगे, है ना, अनंत शेष के रूप में छाया करते हैं, गरुड़ के रूप में उनका वाहन बने हुए हैं, तरह तरह से भगवान की सेवा में लगे, तो विष्णु भी सेवा में लगे कृष्ण की। अब और क्या कहे, भय से कांपने लगा कली, राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। अब कली बोल रहा है, हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं वहीं केवल आपको धनुष मार लिए देखूंगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर तो आपका राज्य है, कहां आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे तो आपके प्रतिनिधि होंगे, वो धनुष मार ले खड़े हो जाएंगे, तुमको कहा था कैसी जगह पे नहीं जाना जहां यज्ञ होते हैं, यज्ञ वाले स्थान पे तो तुमको वर्जित कहा, तुम यहां कैसे घुसा है, अब तुम दंड के भागी हो, फिर चलो परिचित के पास ले चलें तुम्हें कि इसने नियम तोड़ा है, जब तड़ी पार कर दिया गया तो फिर कहा यहां घुसे चले आ, अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, फिर आए परीक्षित के पास धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कह करके, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें, कोई जगह, आपने कहा यहां नहीं रह सकते हो, कहां रह सकते हैं ये भी तो बता दो, कहां नहीं रह सकते हो, इतने से हमारा काम कैसे चलेगा,
तो कहाँ रहेंगे बता दीजिए, जहां मैं आपके शासन में संरक्षण से स्थायी रूप से रह सकूं, हमको उस जगह बता दीजिए कहाँ रहना है। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित ने उनके लिए जगह निर्धारित की। तो अब हमें क्या करना है, उन जगहों को जानना है और जानने के बाद उनसे दूर रहना है, बचना है। अब जगह सुन लीजिए ध्यानपूर्वक क्या है। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। इस प्रकार निवेदित किए जाने पर स्थानानि कलये ददौ, स्थान दे दिए उनको। कौन कौन से? द्यूतम, पानम, स्त्री हसुना, ये चार स्थान। द्यूतम, पानह, स्त्री सुना, यत्रा धर्मश्च तुर्विद, जहां चार प्रकार का अधर्म होता है उन जगह पर जाकर के रहो। कली को स्थान कहां मिला रहने के लिए? जहां अधर्म हो, और अधर्म चार प्रकार का है। क्या क्या? जहां जुआ खेला जाता है, द्यूतम, और पानम शराब पीना, मद्यपान, द्यूतम पानम, और स्त्री जहां अवैध स्त्री संग होता हो, स्त्री और सुना अर्थात पशु वध होते हो, कसाई घर, जहां अभी पशु वध होता हो, ये चार जगह हैं। जोर हो जाएगी, इनसे बाहर निकल के कहीं ब्रह्मावर्त में दिखाई पड़ गए तो सर ही काट डालेंगे। अब कली घबरा गया, घूम आया पूरा, एक जगह ऐसी नहीं मिली जहां पर कहीं शराब पी जाती हो, जहां पर अवैध स्त्री संग होता हो, जहां पर कसाई घर हो, और जहां पर कोई स्थान नहीं मिला। पुनश्च याचमानाय, फिर याचना करने लगा। पहले आपने क्या कहा, तुम यहां नहीं रह सकते। फिर उन्होंने कहा भाई कहां रहे? बोले ये चार जगह रहो। चार जगह है ही नहीं आपके राज्य में, तो हम क्या कह रहे हैं, कहां रहे? इतना धर्म का राज्य था परीक्षित तक, उसके बाद सब बिगड़ गया, कोई चक्रवर्ती होने लायक नहीं रहा, सब टुकड़े टुकड़े पृथ्वी के हो गए। अब कितने राजा हो गए, कितने प्राइम मिनिस्टर होंगे पूरी पृथ्वी पर, कितने छोटे छोटे से देश बिंदी बिंदी भर के। पुनश्च याचमानाय जात रूपम ददात प्रभु। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना हो, गोल्ड, क्योंकि जहां जहां सोना होता है, सोना पहले तो सोने के ही सिक्के चलते थे, अर्थ माने सोना ही होता था, तो अभी भी यही समझ लीजिए, जहां पर धन है, अपने पेट पालने से अधिक धन जहां है तो पाप में ही होता है, उसका परिणाम पाप होता है, उसको दान कर देना चाहिए, क्योंकि जहां जहां सोना होता है वहीं वहीं असत्य पैसा होता है। आदमी का कोई आया मांगने के लिए, नहीं नहीं हमारे पास तो कुछ है, असत्य आ गया, झूठ बोल दिया, मद, हम बहुत पैसे वाले हैं, हमको तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, है ना, मद आ गया, और काम, अब पैसा है तो बस अब चीजें लाएंगे भोगेंगे, काम आ गया, और ईर्ष्या, दूसरे के पास ज्यादा आ गया तो उससे ईर्ष्या करने लग गए, और वैमनस्य, ये सारे दुर्गुण आ जाते हैं जहां पैसा होता है, तो वहां कली अपना प्रभाव दिखा देता है, ये सारी समस्याएं खड़ी कर देता है। तो सोने में स्थान दे दिया, कुछ लोग कहते हैं सोने में स्थान दिया इसलिए परीक्षित महाराज के मुकुट में चढ़ गया, और परीक्षित महाराज की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, तो उन्होंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया,
लेकिन ऐसा नहीं है। परीक्षित महाराज एक भक्त हैं और हर समय भगवान के स्मरण में रहते हैं, जब गर्भ में थे तब से लेकर तब भी भगवान ने रक्षा की थी। किस चीज से? ब्रह्मास्त्र से। किसने ब्रह्मास्त्र चला दिया था? अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से अटैक किया था और भगवान उसी समय रथ पे थे, उस समय जा रहे थे द्वारिका और उत्तरा भागी भागी आई, प्रार्थना की, उसने भगवान गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, नचा रहे हैं खूब जोर जोर से कि दो शस्त्र लेकर के चले, कहीं एक फेल हुआ तो दूसरे से तो रक्षा करनी है भक्त की। ये पांडवों का बीज है, इसकी रक्षा करेंगे। तो तब से लेकर के तो भगवान, उनका नाम ही है विष्णु राज, विष्णु के द्वारा रक्षित। तो उनके राज्य में सब कोई स्थान नहीं था जहां कली रह सके, लेकिन अब स्वर्ण में स्थान दिया तो क्या ऐसे राजा पर जो विष्णु रात है उस पर कली अटैक करेगा? अभी तो कहा ब्रह्मावर्त में नहीं एंट्री है उसकी, तो विष्णु रात के हृदय में कहां से एंट्री हो जाएगी कली की? नहीं हो सकती। कली ने प्रवेश किया उस ब्राह्मण बालक पर, श्रृंगी, उसकी मति को फेर दिया, तभी उसने श्राप दिया। कली का प्रभाव उस ब्राह्मण बालक पर, ब्राह्मण नहीं था, क्वालिफाइड छोटा बच्चा था, अभी सीखा नहीं था पूरा, क्योंकि शमीक मुनि जिनके गले में सांप डाला उन्होंने तो बुरा माना ही नहीं, वो तो अपनी तपस्या से उठे, सांप उठा के साइड में रखा और उनको चेतना हो गई कि भाई ये सब जो हुआ है, श्राप भी हो गया, सब कुछ उन्होंने समझ लिया समाधि में रह करके। तब उन्होंने बल्कि अपने बेटे को डांटा कि तुमने ये क्या कर दिया, इसी की वजह से तो कली का प्रवेश नहीं हो पा रहा था, अब तुमने कली को एंट्री दे दी। तो अब कौन कौन से स्थान हो गए कली के? पांच स्थान हो गए। तो पांचों से बचना है या पांचवे वाले को कभी इकट्ठा करना है? बचना है। हाँ, पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में पानी भरने लगे, छिद्र हो जाए, उसको निकाल निकाल के बाहर फेंकना होता है, ऐसे ही घर में धन बढ़ जाए तो दान देना होता है, यही सयानो काम। अदरवाइज उसका फल क्या है? अगले जन्म में दरिद्र बनेगा। जो व्यक्ति पेट भरने से अधिक अपने पास रख लेता है तो वो अगले जन्म में दरिद्र बनता है, उसको दरिद्रों को दया नहीं आ रही है इसलिए वो दान नहीं कर रहा है। वैष्णव लोग सब जगह प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, वो अपने आय के लिए कुछ नहीं करते, तो उनको उनको प्रोत्साहन दे दें कि हाँ भाई चलो ठीक है, आप लोग अच्छे सेवा कार्य में लगे हो, चलो तभी तो पृथ्वी पे जगह जगह कीर्तन होगा और कली के प्रभाव से लोग जो है बच पाएंगे, संकीर्तन ही बंद हो जाएगा तो फिर कैसे होगा? तो अब दोनों हाथ उली चाहिए, कहाँ उली चाहिए? जहां योग्य पात्र हो, है ना, नहीं तो तमोगुणी दान हो जाएगा। अच्छा, तो ये चार से तो चलो बच जाएं, लेकिन पांचवे के चक्कर में तो सब पड़े हुए, ये बड़ा चक्कर खराब है, तो अब इस पे ध्यान देना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने किसी को भी अपना शिष्य स्वीकार करने से पहले ये चार नियम बनाए, चार नियमों का जो पालन करेगा वही मेरा शिष्य बनेगा। क्या क्या? किसी प्रकार का नशा नहीं करना, क्योंकि नशे से क्या नष्ट हो जाता है? तपस्या, धर्म का एक पांव टूट जाएगा। चाय, कॉफी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, कुछ नहीं, कोई नशा नहीं। छोटे से शुरू होता है, बड़े तक पहुंच जाता है। छोटे बच्चे पहले स्वीटी सुपाड़ी, उसके बाद सादा पान मसाला, उसके बाद तंबाकू वाला, उसके बाद तंबाकू, उसके बाद बीड़ी, सिगरेट, फिर शराब, फिर ये, फिर वो, बढ़ता ही जाता है, फिर हीरोइन और पता नहीं क्या क्या चरा सफीम गांजा, सप्लाई 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 चलता रहता है। तो किसी प्रकार का नशा नहीं करना, इवन चाय भी नहीं। दूसरा, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, इसमें मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज भी नहीं, तमोगुणी कोई चीज नहीं। और तीसरा, पराई स्त्री को माताजी मन से,
मान करके रिस्पेक्ट करना जैसे अपनी मां की करते, तब कौन सा बच जाएगा? कली का पांव, पवित्रता। ठीक है, और मांसाहार नहीं करने से दया, और नशा नहीं करने से तपस्या, और चौथा क्या है? जुआ नहीं खेलना, इससे सत्य। जुआ में धर्मराज बैठ गया तो सामने शकुनी ने क्या किया? जब शुरू हो गया ना झूठ कपट, चालू हो गया। धर्मराज हो, कुछ भी हो, भीष्म पितामह हो, महाजन हो, बैठे रहे, लेकिन अगर जुआ शुरू हो गया तो कपट तो शुरू होना ही है। ताश की गड्डी में लोग मार्क लगा लेते हैं, ग्रेट गैम्बलर। तो ये चार नियम जो पालन करेगा वही प्रभुपाद जी का शिष्य बनने के योग्य है। और उसके बाद अपने आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह जो नहीं करेगा वही व्यक्ति कली के प्रभाव से बच पाएगा, अदरवाइज कली तो अपना प्रभाव दिखा देगा, तो बच नहीं पाएगा। तो क्या किया परीक्षित ने? इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन पांच स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। ठीक है, अभी नहीं है, फ्यूचर में हो जाएंगे तो वहां रहेगा, वहां से रहता है। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से राजा, जो राजा हो, जो धर्मोपदेशक हो, जो जन नेता हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, और अगर अपनी भलाई चाहता है तो उसे उपर्युक्त चार अधर्मों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। किसको किसको नहीं आना चाहिए? राजा को, दूसरा धर्मोपदेशक, जो खुद प्रचार करने में लगा है वो खुद ही कली के प्रभाव में रहेगा तो कैसे प्रचार करेगा। जन नेता लीड कर रहा है लोगों को, खुद जो है कली के चक्कर में है। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, लोगों को शिक्षा दे रहा है, सन्यासी, उसने तो सब त्याग किया है, तो इन चार को तो त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट किए हुए पैरों को जोड़ दिया, ये देखिए, और पृथ्वी को आश्वासन देकर उसकी दशा में काफी सुधार कर दिया। कैसे जोड़ दिए चार पांव? सत्य को फिर से स्थापित किया। कैसे? सत्य तो था ही, एक चौथा पांव तो बचा ही हुआ था, सत्य कैसे स्थापित होता है? सत्य कैसे नष्ट होता है? तो जुआबन, ठीक है, अभी क्या है, कसीनो खुले रहते हैं, जुए के अड्डे ऑथराइज्ड। अच्छा, तो क्या राज्य में तो कली का प्रभाव तो रहेगा, और शराब का लाइसेंस दे देती है गवर्नमेंट, क्योंकि उससे आय हो रही है राजस्व के चक्कर में। और एक हमारे महान नेता हैं, चीफ मिनिस्टर, एक के साथ एक फ्री देते हैं, ये भी है झाड़ू छाप। और तीसरा क्या है? शराब बंद हो गई तो क्या, कौन सा पांव बच गया, जुड़ गया वापस? तपस्या आ गया ना, दूसरा पैर भी। और अवैध स्त्री संग ये बंद कराने से क्या हुआ? पवित्रता भी आ गया। सारे पांव इस तरह से जोड़ दिए, और फिर हरि नाम का प्रचार चालू कर दिया, पूरा ब्रह्मावर्त बना दिया, जितना पहले करते थे उससे और ज्यादा करने लग गए। अब क्या होगा? अब कली का एंट्री होगी वहां पे? इम्पॉसिबल। इसलिए घर घर में कीर्तन होना चाहिए, भगवान के मंदिर की स्थापना, सुबह मंगल आरती, शाम को गौर आरती, फिर कभी कभी भक्तों को बुला करके हरि नाम संकीर्तन, हरि कथा, ये सब चलता रहेगा, कली के प्रभाव से बचे रहेंगे, नहीं तो कली का तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, कहां बच पाएंगे।